हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हॉल होने वाला है मीशो का सारी हॉल, क्योंकि अभी अगस्त महीना शुरू हो गया है तो त्यौहारों का लंबा लाइन लगने वाला है। अभी आने वाला है जन्माष्टमी, उसके बाद गणेश चतुर्थी आने वाला है और उसके बाद दुर्गा पूजा भी आने वाला है। तो हम लोगों को तो बहुत ही मतलब मौका मिल जाता है शॉपिंग करने के लिए। तो इसलिए मैंने आज का जो हॉल आप लोगों के लिए लाई हूँ, मीशो का सारी हॉल है। जो पहला वाला प्रोडक्ट मैंने पिक किया है वो एक बहुत ही प्यारा सा येल्लो और रामा ग्रीन कलर में कॉटन का साड़ी है। तो इसको बंगाली कटन भी बोलते हैं। आप देखिए, इसका जो नीचे का बॉर्डर है वो भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितने आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका बॉर्डर का विड्थ है। और सेम ही ऊपर का बॉर्डर भी वैसे होने वाला है और बीच में इसमें येल्लो कलर में रामा ग्रीन और गोल्डन में तासले बना हुआ है। ये है उस साड़ी का पूरा लुक। तो ये येल्लो कलर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ये साड़ी को दुर्गा पूजा वगैरह में कोई भी फंक्शन हो या फेस्टिवल हो, आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। मम्मी वगैरह के लिए तो ये साड़ी परफेक्ट रहेगा। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये साड़ी का लुक कैसा आता है। तो ये है मेरा फर्स्ट वाला साड़ी, जो कि मैंने बोला बंगाली तंत्र साड़ी भी इसको बोलते हैं। और इसका जो भी प्रोडक्ट कोड है, मीशो में लिंक नहीं होता है, प्रोडक्ट कोड होता है। इसका जो भी प्रोडक्ट कोड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगा आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन विद इन 1000 या 1100 में कुछ तो था। तो ये था आज का पहला साड़ी। तो मूविंग टू आवर सेकेंड साड़ी, तो वो भी साड़ी एक वाइट और ग्रीन कलर में है और पूजा वगैरह के लिए आप इसको भी आराम से वेयर कर सकते हैं। तो इसका बॉर्डर देखिए, बॉर्डर ग्रीन में कॉन्ट्रास्ट में, नीचे का ग्रीन में है, ऊपर का थोड़ा सा गोल्डन में है। और इसके जो साड़ी में फ्लावर बना हुआ है, टूटन पैटर्न में फ्लावर बना हुआ है। एक तो ये गोल्डन कलर में के जरी से वेविंग का काम हो रखा है और दूसरा जो है ग्रीन कलर में थ्रेड का वेविंग का काम हो रखा है। ये है आज का मेरा दूसरा साड़ी जो मैंने पिक किया है मीशो से। और इसका जो भी प्रोडक्ट कोड है, ये साड़ी भी मुझे तकरीबन 1260 ऐसा कुछ में आया था, 25 ऊपर नीचे हो सकता है। जो भी एग्जैक्ट प्राइस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके प्राइस इसका चेकआउट कर सकते हैं। और ये है इस साड़ी का फुल लुक। ये साड़ी दुर्गा पूजा में पहनने के लिए परफेक्ट है। और इसमें दो कलर और भी अवेलेबल थे, ये जैसे कि वाइट और ग्रीन हो गया, और वाइट और रेड के कम्बिनेशन में भी अवेलेबल था। आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं। मेरे पास वाइट रेड में बहुत था तो इसीलिए मैंने ग्रीन कलर ऑर्डर किया है। ये भी साड़ी कॉटन सिल्क में है। तो मूविंग टू आवर थर्ड साड़ी जो मैंने लाया है वो है अर्गंजा सिल्क में, ग्रीन कलर में है ये साड़ी। आप देख सकते हैं क्योंकि आजकल अर्गंजा सिल्क बहुत ही फैशन में है, बहुत ही प्यारा साड़ी है। इसका देखिए बॉर्डर का जो लुक है, वाइट कलर में थ्रेड का वेविंग बना हुआ है और गोल्डन जरी में भी वेविंग का काम बना हुआ है। बहुत ही हल्का साड़ी है, आप इसको चाहे तो थ्रू आउट डे आप वेयर कर सकते हैं। इसका ये मुझे पर्सनली आप बोले तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें भी दो चार कलर अवेलेबल था, लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने इसको बाय किया है। तो आप चाहें तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये कलर आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा कलर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। इसका जो फुल लुक है मैंने आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका जो फुल लुक है। इसका जो बॉर्डर का ये जो लेस नहीं है, पूरा साड़ी में ही वोविंग बना हुआ है। ये जो दो ऊपर का और नीचे का सिर्फ बॉर्डर के साइड पे ऊपर और नीचे का बना हुआ है, नहीं तो थ्रू आउट बॉडी जो है इसमें सिर्फ नीचे के साइड पे बॉर्डर बना हुआ है, ऊपर के साइड आपको ऐसे प्लेन आ जाएगा। लेकिन प्लेन आने पर भी अच्छा होता है, टकिंग करने के लिए अच्छा होता है और बहुत ही स्लिम सा लुक दिखाता है। तो ये है ये साड़ी का पूरा लुक। और इसका जो प्राइसिंग डिटेल है और प्रोडक्ट कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधे से डाल दूंगी, आप लोग को अच्छा लगा तो आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो मूविंग टू आवर थर्ड वाला जो साड़ी है, पर्सनली मुझे वो साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जो मैंने लिया था। तो ये है वो साड़ी, ये जैसे बनारसी टाइप का ये साड़ी, इसका बीच में ये जो बूटा बना हुआ है कम्प्लीटली बनारसी लुक आप लोगों को ये साड़ी दे देगा। ये साड़ी मैं पास से आपको क्या कलर दिख रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये साड़ी का जो कलर है, ना कि पूरा पीच है ना कि पूरा पिंक है, ये साड़ी का कलर आप बोल सकते हैं पीची पिंक टाइप का है। बहुत ही प्यारा साड़ी है। इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा ग्रांड आता है, क्योंकि आप इसको पहनेंगे ना
जैसे शादी वगैरह में लोग साड़ी पहनते हैं वैसे लगता है, फोटो से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपने ओरिजिनल बनारसी पट्टू साड़ी पहना हुआ है या ये सिल्क साड़ी, आप इसको रिप्लिका बोल सकते हैं ओरिजिनल बनारसी पट्टू साड़ी का। इसका बॉर्डर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका इसका जो बूटी भी बना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये साड़ी पहनने से कोई भी नहीं बोलेगा आपने इस साड़ी को 1500 के बिलो परचेज किया है। तो इसका जो भी प्रोडक्ट कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको अच्छा लगा तो आप ये साड़ी जाके बाय कर सकते हैं। मैं एक बार इसका फुल लुक आप लोगों को दिखा, ये है इस साड़ी का फुल लुक, और मैंने जो साड़ी वेयर किया है ये साड़ी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसका जो लिंक है मैं आई बटन ऊपर डाल दूँगी, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है और मेरा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि क्या होगा ना जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप मेरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ट्राई ऑन डालने के लिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है तो इसीलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, अगर कभी टाइम मिला तो मैं एक दूसरे वीडियो बना के इसका जो भी ट्रायल है आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो इसीलिए मैं इसका जो भी फुल लुक है आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर कर रही हूँ। पहनने पे आप देख सकते हैं ऐसा लुक आ जाता है इसको। तो ये था आज का फोर्थ साड़ी जो मैंने परचेज किया है मीशो से। तो मूविंग टू आवर फिफ्थ साड़ी, और वो साड़ी फाइनल साड़ी है, पांचवी साड़ी का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है लास्ट का जो साड़ी, ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको मतलब बाल वन बना के जोड़ा वगैरह पहन के पहने तो फुल ब्राइडल लुक आ जाता है इस साड़ी का। ये नेट में है ये साड़ी आप देखिए, और यहाँ पे वेविंग का रेड कलर के धागे से वेविंग का काम बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोन वर्क और पॉल वर्क में बना हुआ है। और इसका बॉर्डर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका बॉर्डर। मैं तो ये साड़ी आप लोगों को खोल के दिखाने वाली हूँ। तो ये है इसका फुल आंचल, ये आंचल में थ्रू आउट आंचल ऐसे ही वेविंग बना हुआ है, आपको दिखा देती हूँ इधर, और थ्रू आउट साड़ी में ऐसे आपको क्या लहंगे पैटर्न में इसका बॉर्डर मिल जाता है, और नीचे की तरफ से ऐसे ही आप लोगों को इसका बॉर्डर मिल जाता है, गोल्डन और सिल्वर कलर का बॉर्डर आप लोगों को मिल जाता है। इसको भी आप पहनेंगे, इसका ब्लाउज भी उन लोगों ने जो दिया है मुझे इतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये साड़ी अच्छा लगा तो इसका भी प्रोडक्ट कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इसको भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला पहनने पे ये साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो आप लोगों को ये साड़ी अच्छा लग रहा है, अगर पर्टिकुलरली कोई एक साड़ी आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उसका ट्रायल बना के दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये था आज का पांच साड़ी, और जिसके जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है और रिव्यू आपको शेयर किया है मैंने। तो जैसे कि मैंने बोला है अगर ये साड़ी और मेरा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आपको तो अभी पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसको आपको आके चेकआउट करना है। तो ये था आज का रिव्यू।